नमस्ते दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी महिपाल इंटीरियर डेकोरेटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था कंफर्टेबल बेडरूम का, और उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एक लार्ज एलसीडी यूनिट का वीडियो है। और इस वीडियो को आज हम इसमें जो भी मटेरियल लगा है उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, और पीवीसी एक्रेलिक माइका का प्रयोग कैसे किया जाता है उसकी भी हम बेसिक जानकारी इस वीडियो में मेंशन कर देंगे। और उसको बनाने में कितना कॉस्ट आता है, कितना लेबर चार्ज लगता है, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेट गो स्टार्ट। ये है लार्ज एलसीडी यूनिट, और इसको बनाने में करीब 10 दिन का हमारे को समय लगा है। और इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो मैं आपको जाहिर करके बता देता हूँ कि इसमें हमने 18 mm की प्लाईवुड का यूज़ किया है। 18 mm की 10 सीट इसमें प्रयोग में हुई है, और 18 mm के अपन कॉस्ट की बात करें तो वो 80 रुपीज़ यानी 80 रुपये प्रति फुट का हमने प्लाईवुड यूज किया है। इसके जो नीचे का जो कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का, ये भी 18 mm और 12 mm के हिसाब से अंदर से खोखला बनाया हुआ है, ताकि इसमें वायर वगैरह अपन डालते हैं तो वायर कहीं से डैमेज नहीं होने को होना। और एक बात का हर एलसीडी यूनिट में विशेष ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी वायर बाहर नहीं दिखने को होना, स्विच बोर्ड और वायर कम से कम बाहर दिखे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेटअप बॉक्स का जो स्विच बोर्ड है वो नीचे ले लिया है, टीवी का जो स्विच बोर्ड है वो टीवी के पीछे में ले लिया है, और इसका जो बीच का जो एरिया दिख रहा है टीवी के पीछे लगा हुआ वाइट एरिया, वो थोड़ा कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा है, ये वाइट कलर का एक्रेलिक हमने यूज किया है। और नीचे का जो आप कैबिनेट देख रहे हैं इसके ऊपर टॉप पे और इसके बॉटम में और नीचे के ड्रावर्स पे दरवाजों पे जो ये वाइट कलर का सनमाइका दिख रहा है, ये वाइट कलर की एग्रेलिक 1 mm माइका है। और वाइट कलर की 1 mm एग्रेलिक माइका है, ये आपको 5,000 रुपये के कॉस्ट में पड़ती है। और इसमें 4 सीट के करीब माइका लगी हुई है, और जो ऊपर ये हल्का ऑरेंज टाइप का जो कलर दिख रहा है ये भी ऑरेंज कलर की 1 mm एक्रेलिक माइका है, और ये भी 3-1 सीट इसमें यूज की हुई है। तो टोटल मिला के ये 6 सीट करीब बोले तो ये 30,000 रुपये का इसमें माइका का यूज हुआ है। और बीच में जो टीवी के पीछे दिखाई दे रहा है ये वाइट कलर का चारकोल है। चारकोल की जो प्राइस की बात करते हैं तो ये चारकोल आपको 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की रेंज में आसानी से मार्केट में हर प्लाईवुड की शॉप पर उपलब्ध हो जाता है। और अभी इसके ऊपर टीवी लगने से टीवी का लुक भी बहुत ही शानदार दिखता है, क्योंकि वाइट कलर का पीछे में बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर की टीवी है। अभी ये जो मैंने मेरे चैनल का एक इसमें वीडियो ओपन किया है, यूट्यूब वीडियो जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, यानी अब इसमें आप देखिए होम थिएटर रखने के लिए एक साइड में नीचे छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है। उस स्टेज के ऊपर वो जो बड़ा जो होम थिएटर रहता है वो आसानी से इसके ऊपर रह जाता है। और साइड में इसके जो 3 व्हाइट कलर के शेल्फ दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ भी अपन आईटीवी सेल वस्तु रख सकते हैं। और टीवी के ऊपर एक 8 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा एक आड़ा शेल्फ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे भी अपन कुछ शो की वस्तु रख सकते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि मैं खुद इस टीवी को शुरू किया हूँ, और नीचे में इसकी जो व्यवस्था बनाई हुई है ये ड्रावर वाला बॉक्स है वो ज़मीन से 3 इंची ऊपर हैंगिंग लिया हुआ है, यानी ये ज़मीन को टच नहीं है। और इसके नीचे से झाड़ू भी अगर निकालना रहा तो ये आसानी से निकाला जा सकता है। और आप इस वीडियो में आगे में देखेंगे कि इसके जो ड्रावर है वो तीनों एक ही लाइन में बाहर वाले ड्रावर है, और ज़्यादा भारी भरकम अपन
बनाते हैं, कई कई लोग इसमें 6 ड्रावर का 8 ड्रावर का यूज़ करते हैं, तो फिर वो एक अलमारी टाइप में दिखता है। संक्षिप्त जो काम रहता है उसमें कम मटेरियल में अच्छा काम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि हर चीज़ को ऐसे हवा में हैंगिंग रखा जाता है। और ये ड्रावर मैंने आपको ये खोल के दिखाया है, और इसकी जो ड्रावर की विड्थ है वो करीब 18 इंच की है। ये 18-18 इंच के करीब 3 ड्रावर है, और साइड में एक 2 फीट बाई 2 फीट की अलमारी बनाई हुई है। अभी आपको अलमारी का भी दरवाज़ा खोल के दिखाया जाएगा। और इस वीडियो में एक त्रुटि ये हुई है कि इसका जो फोकस है वो ठीक से लाइट की वजह से, कैमरा कैसा लाइट को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो एक ही जगह से ये वीडियो शूट किया हुआ है, तो इसमें मोमेंट आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा। और ये जो सेल्फ के ऊपर और इर्द गिर्द जो भी माइका लगी हुई है, ये भी वाइट कलर की एक्रेलिक है, और साइड से इसको एलईडी स्ट्रिप लगाई हुई है, वो भी वार्म वाइट कलर की एलईडी स्ट्रिप लगाई हुई है। और टीवी के जो नीचे, ये मैंने टीवी को ऑन किया है, स्विच बोर्ड भी एकदम नीचे में है ताकि ये बाहर नज़र नहीं आए, और इसके जो वायर है वो अपने को खुले दिखाई नहीं देने को होना, उस हिसाब से हमने, और हम हर एलसीडी यूनिट का ये ऐसे ही बनाते हैं कि उसके जो वायर वगैरह है वो नीचे से छुपे रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में पूरे एलसीडी यूनिट का जो काम था वो मैंने पूरा आपको इस वीडियो में बता दिया। और आगे हम एक दूसरे और एक बेडरूम का वीडियो लेके आ रहे हैं, और उसका काम अभी जारी है। जैसे ही वो पूरा हो जाता है वैसे बहुत जल्द हम एक दूसरे बेडरूम का वीडियो आपके सामने हाजिर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को एक्टिव करना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।